उनसे उन्होंने भारत में इलाज कराना बेहतर समझा। लंदन में प्राइवेट इलाज कराना परमजीत सिंह को महंगा पड़ता। इधर के हॉस्पिटल्स में भी वही फैसिलिटीज है, वही ट्रीटमेंट मिलती है, उतने ही सर्जन और डॉक्टर जो है सीनियर एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं। भारत इलाज के लिए देशों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट कंसल्टेंट पर मैकेंजी के मुताबिक 2012 तक मेडिकल टूरिज्म से भारत को $2 अरब सालाना तक की आमदनी हो सकती है। भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले इलाज काफी सस्ता है। अमेरिका जैसे देश में ओपन हार्ट सर्जरी के 75 लाख रुपए तक लग जाते हैं, जबकि भारत में ये सर्जरी 1.5 लाख रुपए में हो जाती है। घुटना बदलने की सर्जरी इंग्लैंड में 8.5 लाख रुपए की, जबकि भारत में 3.5 लाख रुपए की होती है। पड़ोस के मलेशिया में बाईपास सर्जरी 6 लाख रुपए में होती है, जबकि भारत में यही सर्जरी 1 लाख रुपए में हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि विदेशियों को इलाज के लिए आकर्षित करना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि NHS सिस्टम या जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें उनकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है। तो सिंपल एंजियोग्राफी के लिए 6 महीने से 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। वो यहाँ पे आके अपना इलाज करवाते हैं, उससे सबसे बड़ा कारण है चार्जेस, because there is a lot of difference, maybe 1/10 में भी उनका काम हो जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले साल 1.5 लाख लोग विदेश से इलाज कराने भारत आए थे। बेहतर सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सर्टिफिकेट हासिल कर भारत इस क्षेत्र में नए रोजगार और कारोबार हासिल कर सकता है। लुधियाना से कमलजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़।